So marriage is not a choice. Allah subhanahu wa ta'ala ne shaadi ke baare mein kisi kisam ka ikhtiyar nahi diya. Haan, shaadi kisse karni hai, uska aapke paas ikhtiyar maujood hai. Aur iske upar agar aap dekhen, ya ye jo Christian log hain, wo ye kehte hain, according to God, the one who designed and instituted the marriage, God jisne shaadi ke institution ko intact kiya hai, wo ye keh rahe hain, aur ye shaadi kya hai, the matter of obedience. Aur wo Allah subhanahu wa ta'ala wo keh rahe hain ki shaadi मैटर ऑफ ओबीडियंस है, मैटर ऑफ इमोशन नहीं है. मेरा दिल नहीं करता हामिद की बात मानने को, मैं इसकी बात क्यों मानू. तो सारे हाथ और कान का हाथ, तो नेक बीबियां अपने हामिदों की अतात गुजार हैं. वो ये कह रही है कि ओबीडियंस जो अल्लाह आपको शादी में डाल रहा है, वो कह रहा है ये शादी ओबीडियंस की शादी है, ये मर्जी की शादी नहीं. था मेरा दिल नहीं कर रहा, मैंने आज रोटी भी पका ली, मेरा अगर दिल नहीं कर रहा. ये आज सारी 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 हमारी मुआशरा जो है ना, मूड ड्रिवन है. किसी जमाने में मुझे याद पड़ता है कि जो हमारे दादा साहब थे ना, उनको उनकी जो दादी अम्मा है ना, वो सूफी साहब, तो वो जब निकलते थे दिना बड़ा अपने स्कूल से पढ़ाते हुए, तो पहले बंदा भागता हो जाता था जी सूफी साहब स्कूल में चल पाए पहुंचे हमारे, तो खाना लगना शुरू हो जाता, पता होता था उसके मोबाइल तो उधर ही थे कि व्हाट्सएप कर दे. तो वो सूफी साहब जब चलते थे तो चलते चलते आगे जाके ना उनका वो जमगट्ठा बढ़ना शुरू हो जाता था. लोग मसले में सारी शादियों के पूछते रहते हैं, सूफी साहब दसो ब्याह हो गया, सूफी साहब मेरा आया मसला, सूफी साहब बच्चे का मसला, सूफी साहब बता. तो बढ़ता जाता था क्राउड, तो वो जब मुलाजिम था वो आता था, फिर भागते जाता था, फिर वो जाता था 15 हो गए ने, फिर 20 हो गए, तो खाना उसी तरह टेबल पर चला जाता था. तो उस वक्त औरतें मुंह नाक नहीं चिढ़ाती. मेरे मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने अपने वालिद साहब को मेरे मामी चौधरी साहब कहते थे. मैं नया मेरी बीवी एक दूसरे के नाम आप बाप कह के बुलाते हैं, और आप जो नहीं ना सर है ओ यार. तो आप सोचते हैं वर्ड्स का कितना असर है रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि जब आप समझे खामद आपका दोस्त है, तो फिर दोस्त को तो आप क्या सकते हैं, मारो चपेड़े मुंह दे दे. एक दफा मैंने पकानी रोटी है, मेरा दिल नहीं करता, और आपको पता होगा नहीं, फसाले हाथों कहने का हाथ, तो आपके मुंह से कैसे बात निकलेगी. ये दुनिया ने आपके साथ सलूक किया, इट्स गुड टू बी फ्रेंडली टू योर चिल्ड्रन, बट खुदाया आपके वाले साहब अगर आपके साथ फ्रेंडली है, तो आप बड़े खुशकिस्मत है. लेकिन याद रखिए वो फादर है पहले, वो फ्रेंड नहीं है आपका. खामद खामद है, बीवी बीवी है, दोस्त यार नहीं है. क्या मेरा दिल नहीं करता तू घुमा के जा, तू भी तेरा नहीं आता. ये दोस्ती की जबान है, और ये लफ्ज क्या रिलेशनशिप के ऊपर अफेक्ट करके लोगों की साइकी चेंज करते हैं, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ. जब आप किसी को सर कहते हैं, किसी को मैम कहते हैं, किसी को हाय कहते हैं, किसी को सलाम अलैकुम कहते हैं, तो पूरी की पूरी साइकिल वहीं से डिटरमिन हो जाती है. मैं किसी को कहूं यस सर, और मैं किसी को कहूं हाय डेविड. अब हाय डेविड कह के मेरे दिमाग को ये साइन मिल गया कि ये मेरा बॉस नहीं है, हाय डेविड. तो बड़ा को इज्जत दी जाती है, क्योंकि जो लफ्ज़ अल्फाज यूज करते हैं आप उन रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए, वो आपके पूरे के पूरे रिलेशनशिप के साथ जो आपका बिहेवियर है वो डिफाइन कर देता है. और ये बच्चे बच्चे कहां से सीखेंगे, ये कहां से सीखेंगे, मां बाप से सीखेंगे. हम देखते थे कि माँ, ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये मैं अपने बचपन की बता रहा हूँ. मुझे ये पता है कि खाऊ की क्या इज्जत होनी चाहिए, मुझे ये पता है कि जनाब हम खेल रहे होते थे, गंदे हुए होते थे, मिट्टियों से खेल रहे होते थे, यू नो साथ ही जनाब टाइम आता था तो तीन बजते थे, तो हम ही जनाब पकड़ के ऐसे जनाब बाथरूम में जाओ नहाओ कपड़े बदलो ये करो वो करो, अबू पहुंचने वाले हैं. 4 बजे किचन टेबल के ऊपर चाय लगी होती थी, और जनाब हम लाइन बांध के सीधे दरवाजे गेट के आगे खड़े होते थे, अबू आने वाले साथ ही अबू की गाड़ी अंदर घुसती थी. आप सोचे एक बंदा ऐसे घर में घुसा है और दरवाजा खुला, उसके 4 बच्चे बीवी सुर्खी लिपस्टिक लगा के खड़ी आए, तो वो अपने आप को कैसे बादशाह समझता होगा.
और आज बंदा खोल भी दे यार, किधर रह गई है ना पी पा, तो अंदर बड़ेगा की तकलीफ है, तुझे हाथ बजा देते हैं कोई गल नहीं, अम्मी का फोन आया वैसे उसको उल्टा उसके ऊपर टाइप कर, मैं अक्सर कब कहता हूं यू ट्रीट योर हस्बैंड लाइक अ बादशाह एंड यू बिकम अ वाइफ ऑफ अ बादशाह, यू ट्रीट हिम लाइक अ स्लेव एंड यू आर अ वाइफ ऑफ अ स्लेव। खामन को बादशाह बनाएं ताकि आप बादशाह की बीवी बने, खामन को नौकरों की तरह ट्रीट करेंगे तो आप नौकर की बीवी। तरीका हमें तो ये पता है, हमें तो ये इमेज हमने देखा हुआ है, कभी जिंदगी में माँ बाप की लड़ाई नहीं देखी, हमें तो पता नहीं लड़ाई क्या होती है। और आज मैं सुनता हूँ कि यार आज ये सुनता हूँ मैं, अभी भी लड़ाई ना हो तो वो अब नॉर्मल है मैं कहता हूँ अच्छा ये किसने कहा, ये फलानी अंग्रेजी की किताब में लिखा हुआ है। मैंने कहा इसका मतलब है कि आज से 50 साल पहले सारे के सारे दुनिया में थे अब नॉर्मल थे, सब पागल थे, अब जो उनसे पिछले 100 साल में लोग ये तो इन बच्चों की तरबियत है, ये तो स्कूलों कॉलेजों में इनको पढ़ाया गया, नेट में ये पढ़ते हैं, ये लड़कों तो बड़ा नॉर्मल, जो लड़ते नहीं वो नॉर्मल, क्या बात है वाह, ये जबान हदीस में जिक्र है, ये जबान इतना डैमेज कर देती है कि बाद में आप लाइनर निकाल देना नाक के, उस वक्त अगर आपने खाम से कुछ कह दिया या किसी बड़े को कुछ कह दिया वो माफ भी कर दिया, लेकिन जो रिलेशनशिप पर डैमेज हो चुका आपको पता नहीं इसका डैमेज क्या। तुम औरतों को ये पता था कि बच्चा आपसे बदतमीजी करता है आपको ऑर्डर नहीं मानता उसे चपेट मारते हैं, बॉस आपको कहते हैं खड़े होकर बदतमीजी करते हैं आपसे चपेट मारते हैं, उसे ऐसे मूव कर दीजिए सर, तो आप समझते हैं कि हामद है एक कवाम अल्लाह ने बना के भेजा, यार मेरी लड़ाई है अल्लाह के साथ है, सामने बेचारे के साथ गया, मैं अल्लाह से पूछ लूंगी जाके इसे कवाम क्यों बनाया था, अगर ये कवाम है तो चलो ठीक है यार आप तुम्हारी इसके साथ क्या लड़ाई है, जैसा भी है ये कवाम है, खुदा इसको ट्रीट तो कर लो कवाम की तरह, घर में बरकत तो ले आओ रौनकें तो ले आओ, ये हमारे बेसिक फंडामेंटल बिलीफ है जो कि औलाद की तरबियत में माँ बाप के सामने से नजर आता है।